हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल यशकुन, माई सेल्फ कोमल। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 7th का लेसन नंबर 1st, थ्री क्वेश्चन। इस स्टोरी में क्या होता है कि एक राजा होता है और उसके दिमाग में क्वेश्चन आते हैं कि अगर वो इन तीन क्वेश्चंस के आंसर जान ले तो वो कभी भी फेल नहीं हो सकता। और वो कौन से तीन क्वेश्चन हैं कि किसी भी काम को करने का सही समय क्या है, कौन से व्यक्ति उसके लिए बहुत जरूरी हैं, किन की बातों को उन्हें सुनना चाहिए, और तीसरा क्वेश्चन था कि उसके लिए कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द थॉट केम टू ए सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू थ्री थिंग्स। राजा को एक दिन विचार आया कि अगर उसे तीन चीज़ों के बारे में पता चल जाए तो लाइफ में कभी भी फेल नहीं होगा। और दीज थ्री थिंग्स वर, और ये तीन चीज़ें थी, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी भी काम को करने का सही समय क्या है, विच पीपल शुड ही लिसन टू, किन लोगों की बात उन्हें सुननी चाहिए, मतलब कौन से पर्सन उसके लिए ज़रूरी हैं, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और कौन सी चीज़ किसी काम को करने के लिए कौन सी चीज़ उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो राजा था इन तीन क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहता था। आगे देखिए, द किंग देयरफॉर सेंड मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम प्रॉमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज थ्री क्वेश्चंस। राजा ने अपने मैसेंजर्स के हाथ अपने राज्य में संदेश भिजवाया कि वह प्रॉमिस करता है कि अगर जो उसके क्वेश्चन का सही आंसर देगा, राजा उसे इनाम के तौर पर बहुत सारा पैसा देगा। मैनी वाइस मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली। बहुत से बुद्धिमान व्यक्ति राजा के पास आए लेकिन सभी ने ही उनका अलग अलग उत्तर दिया। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल। पहले क्वेश्चन के उत्तर में कुछ ने कहा कि राजा को अपना टाइम टेबल बनाना होगा, जरूरी होगा, एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। सिर्फ इसी तरीके से ही राजा अपने सभी काम को उचित समय पर कर सकेंगे। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. और कुछ ने कहा कि यह impossible है, किसी भी काम को करने का सही समय का पहले ही पता लगाना मुश्किल है। राजा को चाहिए कि the king should notice all that was going on। राजा को ये notice करना चाहिए कि क्या चल रहा है, और उनको अपनी मूर्खतापूर्ण जो उनकी ख्वाहिशें हैं उसको अवॉइड करना होगा। एंड ऑलवेज डू द वट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम। और उन्हें राजा को वही चीजें करनी चाहिए जो उस टाइम पर राजा को इम्पोर्टेंट लगती हैं। येट अदर सेड दैट द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइस मैन हु वुड हेल्प हिम एट द प्रॉपर टाइम। जबकि कुछ दूसरों ने कहा कि राजा को बुद्धिमान काउंसलर की या सलाहकारों की जरूरत है जो उनकी उचित टाइम पर मदद करेंगे। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। ऐसा इसीलिए क्योंकि बिना किसी की हेल्प के सही समय पर कोई भी सही एक्शन लेना इम्पॉसिबल है अकेले पर्सन के लिए। बट देन अदर सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। लेकिन कुछ ने कहा कि ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। दीज थिंग कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, और ये चीज़ें कभी भी सलाहकार की डिसीजन का वेट नहीं करती। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर। किसी भी काम को उचित समय करने का जो सही समय है, यह जरूरी है कि फ्यूचर के बारे में पहले से ही पता चल जाए। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट, और केवल मैजिशियन ही ये सब कर सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, तो इसलिए राजा को मैजिशियन के पास जाना होगा।
In their answer to the second question, some said that people most necessary to the king were his counselor. Others said the priest. A few others choose the doctor, and yet others said that his soldiers were the most necessary. और दूसरे क्वेश्चन के आंसर में कुछ लोगों ने कहा कि जो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल हैं वो क्या है, काउंसलर हैं, राजा के काउंसलर. और दूसरों ने कहा कि पुजारी, और कुछ अदर ने कहा कि राजा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन डॉक्टर है. एंड येट अदर सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी. और फिर कुछ ने कहा कि जो राजा के सैनिक है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं. टू द थर्ड क्वेश्चन, और थर्ड क्वेश्चन के आंसर में सम सेड साइंस, कुछ ने कहा कि साइंस इम्पोर्टेंट है, यानी कि राजा को अपने राज्य में साइंटिफिक मेथड लाने होंगे. अदर चूज फाइटनिंग, किसी ने कहा कि राजा को युद्ध लड़ना होगा. एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और कुछ ने कहा कि राजा को धार्मिक पूजा करनी होगी. एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवार्ड. जैसे कि सबके आंसर अलग अलग थे, तो राजा उनके आंसर से संतुष्ट नहीं हुआ, और ना ही उन्होंने किसी को रिवार्ड दिया. इंस्टेड ही डिसाइड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम. इसकी बजाय राजा ने एक फैसला लिया कि वह एक हर्मिट के पास जाएगा, हर्मिट से सलाह लेगा जो अपनी बुद्धिमता के लिए फेमस था. द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड विच ही नेवर लेफ्ट. हर्मिट जो था वो जंगल में रहता था, और उस जगह को छोड़कर वह कभी भी कहीं नहीं गया था. ही सा नो वन बट सिंपल मैन. उसने किसी को भी नहीं देखा था, सिर्फ साधारण लोगों को देखा था. साधारण लोग मतलब जो वहाँ पे लकड़ियाँ वगैरह काटने आते थे या और कोई काम करने के लिए जंगल में आया करते थे. एंड सो द किंग पुट एन ऑर्डनरी क्लॉथ्स, इसलिए राजा ने साधारण कपड़े पहने. बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडी गार्ड एंड वेंट ऑन अलोन. हर्मिट की झोपड़ी के पास पहुंचने से पहले राजा ने अपना घोड़ा और अपना बॉडीगार्ड पीछे छोड़ दिया. एंड वेंट ऑन अलोन, और अकेला ही आगे गए. एज द किंग केम नियर द हर्मिट सर्ट, जैसे ही राजा हर्मिट की झोपड़ी के पास आए, ही सा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट. उसने हर्मिट को अपनी झोपड़ी के आगे एक गड्ढा खोदते हुए देखा. ही greeted the king and continued digging. उन्होंने राजा का स्वागत किया और लगातार अपना खुदाई का काम करता रहा. The hermit was old and weak. जो हर्मिट था वो बूढ़ा था और कमजोर था. And as he worked, he breathed heavily. जैसे कि वह काम कर रहा था तो वह तेजी से जल्दी जल्दी सांसें ले रहा था. The king went up to the hermit and said, राजा उस हर्मिट के पास गया और कहा, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer the three questions. राजा उस हर्मिट के पास गया और कहा कि मैं तुम्हारे पास तीन क्वेश्चंस के आंसर जानने आया हूँ, बुद्धिमान हर्मिट, बुद्धिमान संत. How can I learn to do the right thing at the right time? मैं किस तरह से उचित समय पर उचित काम कर सकता हूँ? Who are the people I need most? और किन लोगों की मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? And what affairs are the most important? और कौन से काम मेरे लिए बहुत ज़्यादा important है? The hermit listened to the king. Hermit ने राजा की बात को सुना, but did not speak. लेकिन कुछ भी नहीं कहा. He went on digging. वह खुदाई करता रहा. You are tired, said the king. राजा ने कहा कि तुम थक गए होंगे. Let me take the spade and work in your place. कहते कि मुझे ये फावड़ा मुझे दे दो और तुम्हारी जगह मैं काम करता हूँ. Thanks, said the hermit. हर्मिट ने फावड़ा देते हुए कहा कि धन्यवाद. Then he sat down on the ground. और फिर वह नीचे ग्राउंड पर बैठ गया. When the king had dug two beards. बीड्स का मतलब यहाँ है कि जब हम कोई प्लांट लगाने के लिए छोटे-छोटे गड्ढे खोदते हैं, उसे हम बीड्स कहते हैं. तो when the king had dug two beards, जब राजा ने दो गड्ढे खोद लिए, he stopped and repeated his question. वह रुका और अपना क्वेश्चन फिर से रिपीट किया. The hermit gave no answer but stood up, stretched out his hand for the spade and said, now you rest and let me work.
राजा हर्मिट ने उसका कोई भी उत्तर नहीं दिया, बल्कि खड़ा हुआ और अपने हाथ आगे फैलाए स्पैड के लिए, कहा कि स्पैड मुझे दे दो, नाउ यू रेस्ट, तुम रेस्ट करो और अब मैं काम करता हूँ। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पैड एंड कंटिन्यूड टू डिग, बल्कि लेकिन राजा ने उसे स्पैड नहीं दिया और लगातार खुदाई करता रहा। वन आवर पास्ड एंड देन अदर, एक घंटा बीत गया, फिर दूसरा घंटा बीत गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, सन जो है पेड़ों के पीछे छिप गया। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पैड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, और राजा ने गुस्से से वो स्पैड जमीन में गाड़ दिया और कहा, आई केम टू यू वाइस मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, इफ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। राजा ने कहा कि मैं बुद्धिमान संत, मैं तुम्हारे पास अपने तीन क्वेश्चंस के आंसर जानने आया था, अगर तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते तो बता दो, मैं अपने घर वापस चला जाता हूँ। हेयर कम्स समवन रनिंग, सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा वो देखो वहां कोई भागता आ रहा है। तो ये हुआ हमारा लेसन नंबर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट। नेक्स्ट जो पार्ट है सेकेंड पार्ट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको इसकी हिंदी अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।